हमने ये तय किया है कि हम उस वक्त तक जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे और मुर्दों को दफनाएंगे भी नहीं जब तक जो है ये गिरफ्तार नहीं हो जाते, और कल मगरिब तक हमारी जो मैयतें हैं वो सरदखाने के अंदर रहेंगी, और इंतज़ामिया ने कहा है कि वो इंशाल्लाह हमारी कस्टडी में होंगी, तो उस वक्त तक वहीं सरदखाने के अंदर उनको रखा जाएगा। भैया दर्ज हो चुकी है, एक टीम है जो उनको पकड़ने में लगी हुई है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इनके साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और उसमें हमने एश्योरेंस दी है कि हम इनसे सिर्फ 24 घंटे का वक्त मांग रहे हैं। पूरी इस्लामाबाद पुलिस, पूरा एक SSP इन्वेस्टिगेशन इस पर डिप्यूट कर दिए गए हैं, उनके हवाले लोकेटर कर दिए गए हैं और वो चेक कर रहे हैं जगह जगह। हमने ये तय किया है कि हम उस वक्त तक जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे और मुर्दों को दफनाएंगे भी नहीं जब तक जो है ये गिरफ़्तार नहीं हो जाते, और कल मगरिब तक हमारी जो मैयतें हैं वो सरदखाने के अंदर रहेंगी, और इंतज़ामिया ने कहा है कि वो इंशाल्लाह हमारी कस्टडी में होंगी, तो उस वक्त तक वहीं सरदखाने के अंदर उनको रखा जाएगा। भैया दर्ज हो चुकी है, एक टीम है जो उनको पकड़ने में लगी हुई है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इनके साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और उसमें हमने एश्योरेंस दी है कि हम इनसे सिर्फ 24 घंटे का वक्त मांग रहे हैं। पूरी इस्लामाबाद पुलिस, पूरा एक SSP इन्वेस्टिगेशन इस पर डिप्यूट कर दिए गए हैं, उनके हवाले लोकेटर कर दिए गए हैं और वो चेक कर रहे हैं जगह जगह।